गुड मॉर्निंग बच्चों, आई होप सब बढ़िया है। तो जल्दी से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर में लेसन नंबर है चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं। क्लॉज में चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, कौन सा? शुष्क कृषि यानी शुष्क खेती के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले इसके दो पार्ट हो चुके हैं। पहले वाले में हम लोगों ने टिलेज यानी भू परीक्षण के बारे में पढ़ा था, और देखो उसके बाद में हम लोगों ने टाइप ऑफ भू परीक्षण, टिलेज है भू परीक्षण कितने प्रकार का होता है, फिर आधुनिक भू परीक्षण क्या होता है, कुछ विशेष भू परीक्षण के और हमने डिस्कस किए थे, और फिर बाद में हमने भू परीक्षण की क्रिया में काम आने वाले यंत्रों के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। ठीक है, तो वो भू परीक्षण वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसी में नेक्स्ट टॉपिक है फसल चक्र या क्रॉप रोटेशन। आज हम डिस्कस करेंगे फसल चक्र या क्रॉप रोटेशन के बारे में, क्रॉप रोटेशन के बारे में कि फसल चक्र क्या होता है। ठीक है, दूसरा हम इसमें डिस्कस करेंगे कि फसल चक्र में कौन कौन से सिद्धांत काम आते हैं, और थर्ड हम इसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे फसल चक्र के लाभ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है और वो 4 नंबर का लेसन है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना। अगर फसल चक्र की बात करें तो पहले बात करते हैं हम डेफिनेशन के बारे में कि फसल चक्र होता क्या है। तो अगर हम फसल चक्र की बात करें तो हम सब लोगों ने देखा होगा कि आपके सब लोग मोस्ट ऑफ द एजी में है, वो सब गांव से बिलोंग कर रहे हैं, तो सबको पता होगा कि हम लोग क्या करते हैं, जो आपका पर्टिकुलर एक खेत होता है उसमें हर साल एक ही फसल ही नहीं होती, क्या करते हैं उसको चेंज करते रहते हैं। यानी इस साल अगर गेहूँ हो गया तो अगले साल हम उसमें चना बोते हैं, फिर नेक्स्ट साल हम उसमें सरसों बोते हैं, तो क्या करते हैं हम उसको चेंज कर करके बोते हैं। तो वो जो चेंज कर करके बोने की प्रोसेस होती है उसे क्या कहेंगे हम, फसल चक्र कहेंगे। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन बात की देख लेते हैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात में। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि किसी निश्चित क्षेत्र में यानी पर्टिकुलर एरिया में, निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित अवधि के लिए फसलों में हेर फेर करके बोना, जिससे कि क्या हो, फसल उत्पादन में वृद्धि और मृदा की उर्वरता क्षमता भी बनी रहे, क्या कहलाता है, फसल चक्र कहलाता है। समझ में आया, क्या लिखेंगे हम, किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित अवधि के लिए फसलों को हेर फेर करके बोना, यानी फसलों में हेर फेर, इस साल एक बोलिए अगले साल दूसरी बोलिए फिर नेक्स्ट साल कुछ दूसरी बोलिए, तो फसलों में हेर फेर करके बोना, जिससे क्या हो, फसल उत्पादन में भी वृद्धि हो और मृदा की उर्वरता क्षमता भी बनी रहे, क्या कहलाता है, फसल चक्र कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम फसल चक्र के सिद्धांत, यानी जब हम फसल चक्र यूज करते हैं तो ऐसी कौन कौन सी बातों का ध्यान रखते हैं, या ऐसा कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखते हैं हम फसल चक्र बनाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा फसल चक्र के सिद्धांत। फसल चक्र के सिद्धांत की बात करें तो पहला जो सिद्धांत होगा वो होगा कि जब भी हम फसल चक्र में फसलों का चुनाव करेंगे तो वो इस तरीके से करेंगे कि अगर हमने पहले साल उथली जड़ वाली ली है तो अगले साल हम गहरी जड़ वाली लेंगे। जैसे कि चले टॉपिक देखते हैं, उथली जड़ वाली फसलों के बाद गहरी जड़ वाली फसलें लेना, जब फसल चक्र के पहले सिद्धांत में क्या होगा, उथली जड़ वाली के बाद गहरी जड़ वाली फसलें लेंगे। यानी जब भी हम फसल चक्र बनाएंगे तो पहली बात हम क्या ध्यान देंगे कि हम जो फसल चक्र में फसलें यूज कर रहे हैं वो अगर इस साल ऐसी फसल यूज की जिसकी जड़ उथली होती है, उथली मतलब कम गहरी, जैसे हम बात करें गेहूं की जड़ें क्या होती है, कम गहरी होती है, जबकि अगर बात करें दलहन में फसलों की, जैसे हम लोगों ने चने की बात की तो चने में क्या होता है, उसकी जड़ें क्या होती है, इसके अपेक्षा थोड़ी गहरी होती है। तो क्या होगा, पहली अगर हम लोगों ने पहले साल हमने उथली जड़ वाली फसलें ली है तो हमें अगले साल क्या लेनी है, गहरी जड़ वाली फसलें लेनी है। क्यों लेनी है, देखो माना ये आपकी मरदा सकता है, आपने गेहूं बोया, गेहूं बोने के बाद गेहूं की जड़ें मिनिमम यहां तक जा पाई, तो इन गेहूं की जड़ों ने क्या किया, सिर्फ
मीटर वाली मशीनों को उपयोग करना है। ठीक है, दूसरा सिद्धांत होगा अधिक जल चाहने वाली फसलों के बाद अब बात करें दूसरे सिद्धांत की, तो दूसरा फसल चक्र में अगर हम फसल ले रहे हैं, दूसरा सिद्धांत हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर इस साल हमने ऐसी फसल बोई जिसको ज्यादा जल की जरूरत है, तो हमें ट्राई करना है कि अगले टाइम में या अगली बार जब उस खेत में फसल बोएंगे तो ऐसी फसल बोएंगे जिसको कम मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि अगर हम लगातार अधिक जल चाहने वाली फसलें बोते रहेंगे तो वो क्या करेगी, मृदा को खराब कर देगी, मृदा की क्या संरचना खराब हो जाएगी, मृदा में पोषक तत्व नीचे बार बार लीच करके चले जाएंगे। तीसरी बात ये क्या करेगी, अगर बार बार हम अधिक जल वाली फसल को लेंगे तो आपकी उत्पादन लागत में भी वृद्धि कर देगी। इसलिए अगर आपने एक साल अधिक जल चाहने वाली लिए, माना कि एक साल आपने गेहूं लिया है जिसमें 5 से 6 सिंचाई की जरूरत है, तो अगले बार क्या करना है, हमें उसमें ट्राई करना है कि चना ले या ऐसी दलहनी फसल ले जिसको कम जल में भी वो अपनी अच्छे से वृद्धि कर सके। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया। तीसरा सिद्धांत है दलहनी फसलों के बाद दलहनी फसलें लेना। ओके, यानी तीसरा सिद्धांत क्या है, फसल चक्र का, कि हमें क्या करना है, क्या करना, दलहनी फसलों के बाद आपको क्या करना है, दलहनी फसलें लेनी है। दलहनी फसलें क्यों, हमें सब पता है, हम लोगों को पता है कि क्या होता है दलहनी फसलें, यानी जो दाल देने वाली चाहे चना हो, मसूर हो, उड़द हो, मूंग हो, जब हम इनको खेत में उगाते हैं तो ये क्या करती है, इनको पहली बार तो कम फर्टिलाइजर की जरूरत होती है, यानी कम उर्वरकों में भी क्या करती है, अच्छे से वृद्धि कर लेती है। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, इनकी जड़ों में पाए जाने वाली गांठें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। ये नाइट्रोजन इसके लिए यूज तो करते ही साथ ही साथ कुछ मात्रा में लगभग 30 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यानी अलग अलग फसलों का अलग अलग रेट है, तो लगभग 30 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक नाइट्रोजन को क्या करती है, मृदा में स्टोर भी करती है। जबकि मृदा में स्टोर करके जाएगी तो जब आपने अगले साल दलहनी फसलें बोई, यानी ग्रेन मेकुल की हुई या कुछ और फूल की हुई जिनमें दालें नहीं बनती या उनकी जड़ों में गांठ नहीं बनती, जब आपने ऐसी फसलें ली तो ये फसलें क्या करेगी, उस नाइट्रोजन का प्रयोग करके आपके फसलों के उत्पादन जो वृद्धि है उसको बढ़ा देगी। नेक्स्ट डे जब आपने सेम फूल की फसल बोई है, गेहूं बोया या जो बोया जो ग्रेन
पानी सिद्धांत के ऊपर, यानी हमें फसल चक्र ऐसा बनाना है जिसमें सभी फसलों को आपको क्या करना है उसमें स्थान देना है, जिससे कि किसान की सारी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हो, उसे बाहर डिपेंडेंट नहीं होना पड़े। अच्छा, छठा सिद्धांत क्या कहता है कि फसल चक्र ऐसा बनाना चाहिए जिसमें सारे कृषि आधारित उपकरणों का प्रयोग हो, यानी इस सिद्धांत के अनुसार
आपको फसल चक्र में ऐसी फसलों का प्रयोग करना चाहिए जो अगर आपने पहले साल ऐसी फसलें ली जिनको अधिक बहुत ज्यादा मात्रा में खाद एवं उर्वरक चाहिए, जैसे आलू हुआ, गन्ना हुआ, और अगर इनको अधिक मात्रा में खाद एवं उर्वरक चाहिए तो अगली बार आप ऐसी फसलें लो जिनको कम मात्रा में खाद एवं उर्वरक चाहिए, जो कि क्या करे वो पहले वाली फसल का जो बचा हुआ खाद एवं उर्वरक है या पोषक तत्व उनसे ही सर्वाइव कर ले और आपकी लागत में भी वृद्धि हो। ओके, लास्ट सिद्धांत कहता है कि मृदा अपरदन बढ़ाने वाली फसलों की यानी कि सिद्धांत के अनुसार अगर आपने एक साल ऐसी फसल का यूज किया है जो थोड़ी दूरी पे बोई जाती है, यानी दो पौधों के या रो के बीच का गैप ज्यादा है, जो क्या करती है मृदा अपरदन को बढ़ाती है, तो अगली बार ऐसी फसलों का प्रयोग करना चाहिए जो पास पास बोई जाए जिससे मृदा आसानी से कटकर नहीं जा सके। तो ये फसल चक्र के 10 सिद्धांत है। पहला सिद्धांत क्या है कि अगर हम क्या कर रहे हैं गहरी पहले साल उतनी जड़ वाली फसल ले रहे हैं तो हमें अगले साल क्या करनी है गहरी जड़ वाली फसल लेनी। दूसरा सिद्धांत क्या था कि अगर हम अधिक जल चाहने वाली फसलों के बाद क्या करना है कम जल चाहने वाली फसलों का प्रयोग करना है। तीसरा सिद्धांत क्या कहता है कि दलहनी फसलों के बाद हमें दलहनी फसलों का प्रयोग करना है। चौथे सिद्धांत के अंदर अधिक खाद उपयोग चाहने वाली के बाद कम खाद उपयोग चाहने वाली फसलों का प्रयोग करना चाहिए। पांचवे सिद्धांत के बाद अगर मृदा में अधिक अपरदन बढ़ाने वाली फसलें ले रहे हैं तो हमें अगले साल क्या करनी है कि ऐसी फसलें लेनी जो अपरदन की समस्या को कम कर सके। नेक्स्ट हमें फसल चक्र इस तरीके से तैयार करना है कि किसान की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो। नेक्स्ट सिद्धांत के अनुसार जो फसल चक्र बनाया जाए वो क्या है आसपास के जो कृषि आधारित उद्योग है उनको ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट कि अगर हमने कोई उपकरण खरीदा है तो फसल चक्र के नेक्स्ट सिद्धांत के आधार पर अगर आपने कोई कृषि उपकरण खरीदा है तो आपका फसल चक्र इस तरीके का होना चाहिए जिससे कि क्या हो उस कृषि उपकरण का लगातार उपयोग हो सके। नेक्स्ट अगर बात करें तो अगर आपकी मृदा लवणीय क्षारीय है तो आपको ऐसी फसल चक्र में ऐसी फसलों या ऐसी किस्मों का प्रयोग करना है जो उसको आसानी से सहन कर सके। तो ये कुछ फसल चक्र के इम्पोर्टेंट सिद्धांत हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फसल चक्र के लाभ की। अगर हम फसल चक्र अपनाते हैं तो उससे हमारे क्या क्या फायदे होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है फसल चक्र के लाभ। नेक्स्ट टॉपिक होगा फसल चक्र के लाभ। पहला लाभ है मृदा उर्वरता में वृद्धि। हमने अभी पढ़ा था सिद्धांत में अगर हम दलहनी कम दलहनी उसे अधिक उर्वरक वाली या कम उर्वरक वाली इस तरीके बार बार फसलें चेंज करके बोएंगे तो मृदा की उर्वरता क्षमता में क्या होगी वृद्धि होगी। दूसरा फायदा मृदा की भौतिक एवं जैविक दशा में सुधार करोगे तो ऑब्वियसली बात है मृदा की भौतिक और उसमें उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या में भी वृद्धि हो जाएगी। तीसरा लाभ की बात करें तो किसान की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी। क्योंकि हमने अभी बात की सिद्धांत में कि हमें इस तरीके का फसल चक्र बनाना है जिससे कि किसान की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति वहीं पे हो जाए। नेक्स्ट लाभ कहता है मृदा अपरदन में कमी
नियोजन। अच्छा इस फसल नियोजन की बात करें, इसमें क्या करेंगे कि हमें जब हमने फसल चक्र बनाया तो ऑब्वियसली बात है पूरा साल भर का आपने क्रॉप रोटेशन तैयार किया, तो उस क्रॉप रोटेशन के अनुसार जब हमें पता होता है कि हमें इस साल ये फसल और इस बार ये फसल और सब कुछ पता होता है, तो आप उसी के हिसाब से क्या करोगे चीजें खाद उर्वरक या और जो उपकरण है जो फसलों को लिए आवश्यक होंगे वो पहले से आप तैयार करके रखोगे, जिससे कि क्या होगा आप टाइमिंग पे सोइंग कर सकते हो। उत्पादन लागत में कमी। नेक्स्ट लाभ की बात करें तो वो होगा मुर्गा संस्कर से समान मात्रा में पोषक तत्वों का उपयोग, यानी कि इसके हिसाब से अगर आप फसल चक्र में सब सारी चीजें यूज करोगे तो क्या होगा उत्पादन लागत में कमी होगी और मृदा के संस्तरों में जितना अपन गहरी जड़ वाली उथली जड़ वाली दलदली सारी फसलें यूज करते हो मृदा के सभी संस्तरों से क्या होगा पोषक तत्वों का समान मात्रा में उपयोग होगा। ठीक है, तो ये था फसल चक्र वाला टॉपिक। नेक्स्ट वाली क्लास में हम नया टॉपिक उठाएंगे।